हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करार सा नया नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और नाश्ता बनाने के झंझट से आजादी पा सकते हैं। तो फ्रेंड, गर्मियां शुरू हो चुकी है, ऐसे में बार बार जाकर किचन में नाश्ता बनाना बहुत ही उलझन का काम लगता है। तो आप एक बार इस नाश्ते को बनाइए और नाश्ता बनाने की टेंशन को भूल जाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला मिक्सी का जार लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना और इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा साबुत वाला, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा, लुक आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। अदरक जरूर डालना है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना गेहूं का आटा, जो वेट ने 150 ग्राम है। नाप में हमारा एक कटोरी है, ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इसको मैंने छान के लिया और आपको भी इसे अच्छे से छान के लेना है। अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप आटे की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे आपको बताते हैं। 3 दाने हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, जिसको काली मिर्च बोलते हैं। इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम 2 चम्मच गाढ़ा और खट्टा दही डालेंगे। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसी के साथ हम इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे। तो दही और नींबू का रस डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या ऐड कर सकते हैं, टमाटर। टमाटर को आप कट करके इस मिश्रण में ऐड कर देना डियर। और अब इसमें हम 1/4 चम्मच डालेंगे नमक। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते हो उतना डाल सकते हैं। और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे शुगर, जिसको चीनी भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा नाश्ते का। तो शुगर बिल्कुल भी मीठा नहीं करेगा, कम डालना, बहुत ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अब नाश्ते को कुरकुरा बनाने के लिए इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पर सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूजी को डाल सकते हैं बारीक वाली। और यहाँ पर अब इसमें हम डालेंगे पानी, 1 छोटी गिलास हमें पानी ऐड करना है। अगर आपकी बड़ी है तो आपको सिर्फ 1/2 गिलास डालना है। तो पानी डालने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसको मैंने पीस लिया है। अब एक बड़े साइज के बर्तन में इसको हम ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल रनी बैटर बना लिया है मैंने। और अब इसमें हम 2 चुटकी डालेंगे हींग, जिसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और नाश्ते को पचाने में आपको मदद मिलेगी। अब थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको हटा सकते हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी, सिर्फ 1 चुटकी डालनी है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो पीले की जगह पे लाल हो जाता है कलर, अच्छा नहीं लगता है देखने में। और अब इसमें हम 1 सीक्रेट मसाला डालेंगे। उसमें हमने क्या क्या मिला है आपको बताते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा सफ़ेद तिल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा हमने सरसों लेके अच्छे से भूनने के बाद उसको हल्का सा दरदरा कूट दिया है। इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे डियर। अगर आप ये वाला मसाला नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी जगह पर गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम 1/2 टीस्पून डालेंगे ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। हल्का सा गर्म करके डालना है, सरसों का तेल आपको नहीं डालना है। अब इसमें हम 1 ग्रीन चिली, जो इस तरह से मोटी मोटी कट कर ली, ये डाल देंगे। और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे नाश्ते की जान फ्रेश हरा धनिया, 2 से 3 चम्मच, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया को अच्छे से वॉश करने के बाद फैन के नीचे रख देना, जब उसका सारा पानी यानी मॉइस्चर खत्म हो जाए तब कट करके डालना। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं डियर। अब यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज लिया, जिसको इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो मिश्रण है वो बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तब तक दूसरा काम कर लेते हैं, इसे साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए, पैन लिया है, ना इसमें घी डालेंगे ना बटर डालेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धुली हुई उड़द की दाल, जिसको मैंने कपड़े से 3 से 4 बार अच्छे से पोंछ लिया है। और इसी के साथ इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे चने की दाल। तो दोनों दाल हमारी कच्ची है, इसको मैंने भिगो कर नहीं लिया है, बस कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब धीमी धीमी आंच पे हम इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से भूनेंगे।
तो यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें दाल को धीमी आंच पे भूनना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो दाल काली हो जाएगी और अच्छा लुक भी नहीं आएगा, टेस्ट भी नहीं आएगा। अब एक ग्रीन चिली को इस तरीके से हम तोड़ देंगे, क्योंकि मेरी बड़ी है, अगर आपकी छोटी है तो आप 2 से 3 डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 1 इंच का अदरक लेंगे, जिसको अच्छे से वास करके छिलका निकाल लिया, ये डाल देंगे। अदरक डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, जिसको हम छिलके के साथ इसलिए डाल लें क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा छिलकों का। अगर आप चाहें तो छिलका निकाल दे सकते हैं। तो धीमी धीमी आंच पर हम सारी चीज़ों को 10 से 15 सेकंड वापस से भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली, जो हमने 1 छोटा चम्मच मूंगफली ली है, इसको भी हम डाल के 10 से 15 सेकंड अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा हमें सबसे लास्ट में डालना है क्योंकि जीरे को जलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भून गई, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसको मैंने उबाला नहीं है। तो यहाँ पे आलू को उबालने का कोई भी झंझट नहीं है, हम कच्चे आलू का इस्तेमाल करेंगे, जिससे टाइम की और गैस की दोनों की बचत है। अब इसको हम फटाफट छील लेंगे। तो ये वाला जो नाइफ होता है, इससे बहुत ही आसानी से आप इसे छील सकते हैं। तो किस किस के पास ये वाला नाइफ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो चलिए फटाफट इसको छील लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों आलू को मैंने अच्छे से छील लिया, अब इसको हम ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए 3-4 होते हैं, एक होता है ये मीडियम वाला, ये होता है सबसे बड़ा वाला, फिर होता है सबसे मीडियम वाला यानी सबसे छोटा वाला। तो यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ा वाला, तो उसका इस्तेमाल करते हुए इसके लंबे लंबे लच्छे निकालने हैं। तो चलिए इसको फटाफट ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, अगर आपका आलू बड़ा है तो आपको सिर्फ 1 आलू इस्तेमाल करना है। वेट नहीं, आलू हमारा 50 ग्राम है दोनों। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया दोनों। अब इसको हम तुरंत पानी में डालेंगे, नहीं तो आलू के लच्छे बहुत ही जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ख्याल ये रखना है, जैसे हम चावल को वॉश करते हैं उसी तरीके से हमें आलू के लच्छे को भी अच्छे से मलते हुए इस तरीके से वॉश करना है। और यहाँ पे जो ये पानी बचेगा, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं, आप इसको पौधों में डाल सकते हैं, पौधों का बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा। अगर आपके डार्क सर्कल है तो आप इस पानी को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू के लच्छों को मैंने 4 से 5 पानी अच्छे से वॉश कर लिया, देख रहे थे कितने खिले खिले और कितने सफ़ेद हो चुके हैं। अब इसको हम फटाफट इसके अंदर ऐड कर देंगे बिना टाइम को बर्बाद किए। और आलू का लच्छा डालने से बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा और नाश्ता हमारा खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से डालने के बाद मिक्स कर देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो लच्छे हैं बिल्कुल अच्छे से इसके साथ मिल जाए। और 2 मिनट के बाद हम नाश्ता बनाना शुरू करेंगे, तब तक हम दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई, जब ठंडी हो जाएंगी तभी इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आपको बताते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते हो उतना डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, अगर इसका कोई नया ना हो तो कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। इसको डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे, अब इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए इसका पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पीस लिया, चलिए ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थिक है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी डाल के पतला मत बनाना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। अब आप चाहे तो इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। तो चलिए तेल को गर्म कर लेते हैं, फिर तड़का लगाते हैं। तो तड़के पहले मैंने 1/2 टीस्पून तक ऑयल गर्म कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं डालना है। जब हमारा जीरा अच्छे से झटकने लगेगा, इसमें हम 1 चुटकी डालेंगे हींग, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे जिसको हमने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों डालेंगे और यहाँ पे हम इसको 10 से 15 सेकंड इस तरीके से चटकाने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये लग गया हमारा तड़का। और तड़का लगने के बाद जो चटनी का टेक्सचर है वो भी अलग लेवल का हो जाता है, टेस्ट तो इतना अच्छा हो जाता है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। और इस चटनी को आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं, मेहमान भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि नाश्ता भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बना है और चटनी भी ऐसी बनी है जो 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए चटनी को साइड में रख देते हैं और आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, लच्छे भी हमारे बिल्कुल अच्छे से मिश्रण के साथ मिल गए हैं। अब चलिए अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड देखिए आ गए गैस की तरफ, यहाँ पे मैंने पैन लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद इस तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं चम्मच से बना रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से ही बना सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे आपको बनाते समय ख्याल ये रखना है, गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे बनाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये ऊपर से तो कलर जल्दी पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारे आलू के लच्छे कच्चे हैं, इसीलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करना है। तो एक बार में उतना ही डालना जितना कि चिपके ना। तो चलिए 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, फिर उसके बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड देखिए 2 मिनट हो चुका है, अच्छे से कुक हो गए और इस तरीके से ऊपर की तरफ आने लगे। अब इसको हम टर्न कर देंगे, ये देखिए। और यहाँ पर दूसरे साइड भी हम इसको 2 मिनट बनाएंगे। तो टोटल इसको बनने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगेगा और आपको इसे खा के मज़ा आ जाएगा और बच्चे क्या बड़े भी इसे मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, अब इसको हम 10 सेकंड हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि इस पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। अब इसको आप हाई फ्लेम पर रख सकते हैं, सिर्फ 10 सेकंड रखना है और इस तरीके से अलटते पलटते रहना है। ये देखिए, तो ये देखिए रेडी हो चुकी है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। देख लीजिए कितना ज़रा खूबसूरत सा कलर आया है, कितना बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें इसको फटाफट निकाल लेना है बिना टाइम को बर्बाद किए, और दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म करना है। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले वाला बनाया था उसी तरीके से हम दूसरा वाला बैच भी बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा दूरी दूरी पर डालना है, एक साथ नहीं छिपकाना है और डालते ही तुरंत नहीं पलटना है। बहुत ही आसान रेसिपी, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करार सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में ज़्यादा क्रिस्पी है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए। और सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो थोड़ा सा चावल काटा डाला था वो इसको ऑयली बनने से रोकता है और क्रिस्पी बनाता है और लंबे समय तक कुरकुरा रहता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए कितना ज़्यादा इस तरीके से अलग हो जाता है, जिसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको क्या बताऊँ। आप एक बार इस रेसिपी को इस चटनी के साथ बना कर खा लेंगे तो बार बार बनाएंगे तो इस चटनी के साथ ही बनाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने घर में बनाया है केचप, देख लीजिए बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही कम कीमत में। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूं एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए और जब भी आपके यहाँ छोटी मोटी पार्टी हो तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाकर मेहमानों को खिलाना, मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक इस मजेदार सी रेसिपी को एंजॉय कीजिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।